दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक बार फिर से मैं धमाकेदार वीडियो में आपके सामने आ गया हूं। बातचीत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां कप्तानी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, साथ ही साथ आयन मॉर्गन पर एक बड़ा सवाल उठ गया है। सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। भारत की स्थिति ऑलमोस्ट एवरेज ही यहाँ पर कही जा सकती है, जिस तरह की सिचुएशन है। खैर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स बताऊंगा तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते केकेआर को होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोग मत करना, अंत तक आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको माय इलेवन सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके अंदर आप बड़े बड़े चैंपियंस के साथ हेड टू हेड कर सकते हो। पाकिस्तान क्रिकेट लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनाकर काफी सारी प्राइस मनी जीत सकते हो। इसके अलावा 1500 रुपये फ्री बोनस और 2 गुना एक्स्ट्रा कैश पहले डिपॉजिट पर आपको माय इलेवन सर्कल दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, हम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली एक 50,000 का मेगा गिव अवे लेकर आए गए हैं, जिसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, अभी ट्राई करें नीचे दिए लिंक से माय इलेवन सर्कल। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा कैश और मेगा गिव अवे के लिए अभी डाउनलोड करें माय इलेवन सर्कल। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात तो टीम केकेआर यहां अब थोड़ी थोड़ी स्टेबल नजर आ रही है, क्योंकि यहां जो दोस्तों अब केकेआर मैनेजमेंट की तरफ से न्यूज़ें आ रही है वो थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, जिसकी वजह से केकेआर भी स्ट्रांग बन जाएगा। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि प्लेयर्स को बदलने की जरूरत है या मैनेजमेंट को बदलने की जरूरत है, जिससे केकेआर आगे बढ़ पाए। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केकेआर कैप्टेंसी को लेकर। दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि दिनेश कार्तिक से आयन मॉर्गन के पास गई थी कप्तानी, और इसके बाद न्यूज़ थी कि यहां पर दिनेश कार्तिक फिर से बन जाएंगे कप्तान, क्योंकि आयन मॉर्गन अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, आयन आएंगे या नहीं आएंगे इसके ऊपर अभी बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि केकेआर मैनेजमेंट ने ऑफिशियल नहीं किया है। हालांकि इंग्लैंड बोर्ड ऑफिशियल कर चुका है, बट आपको यह चीज बता दें कि यहां दोस्तों आंद्रे रसेल का नाम बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा था, क्योंकि दोस्तों उनको कप्तान बनना था, साल 2018 से ही उनकी विश थी। बट आपको यह चीज बता दें कि यहां पर सीपीएल जो प्रीपोन हो गया है, तो यहां आंद्रे रसेल भी बन सकते हैं कप्तान। बट एक जो लेटेस्ट न्यूज अभी हमारे हाथ लगी है वो ये है कि यहां आंद्रे रसेल कप्तान बने या ना बने, बट आपको दिनेश कार्तिक एज कैप्टन नहीं देखने को मिलेंगे। केकेआर के लिए अच्छी खबर यह है कि पहली बार इनको कोई नया कप्तान मिलने वाला है। अब कप्तान कौन होगा इसके ऊपर कोई हिंट्स नहीं है। खैर, आप नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आपके अकॉर्डिंग केकेआर का नया कप्तान कौन होना चाहिए जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनमें से। दूसरी अपडेट आ रही है केकेआर रिप्लेसमेंट को लेकर। दोस्तों, रिसेंटली आप सभी को हमने बताया था कि एरॉन फिंच यहां रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, ना सिर्फ रिप्लेसमेंट बल्कि कप्तानी के भी दावेदार हैं। बट आपको बता दें दोस्तों कि क्रिएटिव डिफरेंस के चलते यहां केकेआर की टीम से हो सकते हैं ये बाहर, यानी दोस्तों आने से पहले ही ये बाहर हो सकते हैं। और क्रिएटिव डिफरेंस अगर आपको सिंपल शब्दों के अंदर समझाएं तो दोस्तों, एरॉन फिंच चाहते हैं कि केकेआर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखे उसके अंदर ये भी साफ साफ कर दे कि साल 2022 के सीजन में भी उनको वो जरूर शामिल करें, यानी उनको वो रिटेन करें। अब दोस्तों, हो सकता है कि आरसीबी की टीम ने जो उनका करियर तबाह किया है उससे एरॉन फिंच डर गए हो। हालांकि अच्छे खिलाड़ी हैं, बट आरसीबी से बड़े बड़े खिलाड़ी उठ भी जाते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ जो केकेआर टीम है वो यहाँ पर मंजूरी नहीं दे रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। पर दोस्तों, इस न्यूज़ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तीसरी अपडेट आ रही है आयन मॉर्गन को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि केकेआर की टीम के जो पिछली साल ही कप्तान बने थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी, काफ़ी अच्छे फॉर्म के अंदर भी थे, वहीं कप्तानी बनने के बाद भी कुछ अच्छी पारियां उन्होंने खेली थी। बट रिसेंटली दोस्तों, एक साइट ने रैंक किया है जहां बड़े बड़े वर्ल्ड क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं वो अपनी रैंकिंग दी है कि वो वर्ल्ड के अंदर किस नंबर पर आते हैं और वो आईपीएल के अंदर किस नंबर पर आते हैं। उसके अंदर दोस्तों, आयन मॉर्गन सबसे नीचे 8वें नंबर पर आते हैं, जो कि एक दुख की बात है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ना भूले माय इलेवन सर्कल नीचे की लिंक से डाउनलोड करना। तो टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।